1 2 3 go. Hey guys, this is Adev and welcome to Abhi Ventures. ढंग से बोल लो, इतना दुखी क्यों हो? नीचे आओ. हम जा रहे हैं गाड़ी से नानी के हाउस. Hey guys, this is Ashish and welcome to Abhi Ventures. तो कुछ दिन पहले मैंने अपनी चैनल पे एक वीडियो डाला था रिगार्डिंग न्यू अलॉय व्हील्स एंड ऑल. नाउ द थिंग इज दैट कि वो अलॉयज मैंने अभी तक अपनी कार में लगाए नहीं है. रीज़न बीइंग कि मुझे अपनी गाड़ी के टायर भी चेंज करने हैं. तो द मोमेंट आई विल बाय न्यू टायर्स आई विल चेंज द अलॉयज और पूरा सेट कंप्लीट करके आई विल फिट इन माय कार. उसमें थोड़ा सा टाइम अभी और लगेगा बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रिप्लेनिश माय बजट. जब मैंने अलॉयज लिए थे ट्रायल के लिए टायर्स उतारे थे और अलॉयज को फिट किया था. स्टील रिम्स के साथ एक फ़ायदा होता है दैट आपको टायर्स के पीछे का कुछ नज़र नहीं आता है. बेसिकली एवरीथिंग इज़ कवर्ड. अलॉयज में सब नज़र आ रहा होता है तो दैट बिकम्स काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम. क्योंकि जब सब दिख रहा होता है तो अगर वहाँ पे कुछ भी गंदा या रस्टेड या दिखे तो डजंट लुक्स गुड. तो अब जब मुझे अपने टायर चेंज करने ही हैं आई थिंक विद इन अ मंथ और सो आई विल बी गेटिंग न्यू टायर्स. तो आई थॉट कि उससे पहले थोड़ा सा साफ सफाई कर ली जाए. तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड में मैंने छोटा सा एफर्ट मारा एंड आई टुक ऑफ ऑल माई टायर्स क्लीन्ड ऑल माई व्हील वेल्स और साथ के साथ जो मेरे ब्रेक्स थी जो ब्रेक कैलिपर्स थे जो कि पूरी तरह से रस्टेड थे आई क्लीन्ड देम एंड आई पेंटेड देम. तो दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ आई डिड दैट. और इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट विथ योर कार तो यू कैन फॉलो. बट वट आई हैव डन नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड लॉट ऑफ पेशेंस. तो अगर आपको अपनी गाड़ी के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन है या आप मैकेनिकली इतना साउंड नहीं हो तो लीव इट फॉर द प्रोफेशनल्स. गाड़ी खोल के खुद पंगा मत लो उसके साथ. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस. आई होप आप लोगों को पसंद आएगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन कि मुझे सामान क्या क्या चाहिए उसके लिए. तो एज लिस्टेड ऑन द स्क्रीन ये काम करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत है और कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है. शुरुआत होती है डिसअसेंबली से. सबसे पहले टायर्स खोल के गाड़ी के नीचे जैक लगाया और एक रिस्पेक्टेबल हाइट पे ले आके गाड़ी के नीचे जैक स्टैंड लगाया. नाउ जैक स्टैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप गाड़ी के साथ कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको टायर खोलना है तो मेक श्योर फॉर सेफ्टी रीजंस आपकी कार एक प्रॉपर स्टैंड पे खड़ी है. नाउ कमिंग टू द व्हील वेल यू कैन सी कि ये कितना गंदा है. मेरी कार ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर चल चुकी है और अब मुझे ब्रेक पैड्स भी चेंज करने हैं. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू चेंज माई ब्रेक पैड्स और मुझे अपने डिस्क रोटर भी जो हैं फेस कराने हैं. तो फॉर दिस आई एम गोइंग टू ओपन माई ब्रेक कैलिपर्स. नाउ ब्रेक्स की सर्विसिंग के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ जो कि मेरे दूसरे चैनल पे अपलोडेड है. द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन चेक इट आउट. ब्रेक कैलिपर को उतार के आराम से एक साइड पे रख दो चाहे सस्पेंशन आप पे या कहीं पे सो दैट कि ब्रेक होज के ऊपर कोई लोड ना आए और वो क्रैक ना करे. नाउ कमिंग टू द ब्रेक पैड्स आप देख सकते हो कि इसका सारा फ्रिक्शन मटेरियल जो है ऑलमोस्ट घिस चुका है. तो नाउ इट इज टाइम टू चेंज देम. इससे पहले कि मैं कुछ और खोलूं, ज़रूरी था कि एक बार व्हील वेल को अच्छे से धो लेना सो दैट जमा हुआ जितना भी कीचड़ है वो सब निकल जाए. नोसेंस यहाँ पे ऑयल सीज और बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं तो आई कैन नॉट यूज़ अ प्रेशर वॉशर. तो इंस्टेड ऑफ दैट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्प्रेयर. ये सिंपल एयर पावर पर चलता है. एक पिस्टन है जो कि आप पंप करके हवा का प्रेशर बनाते हो और उस हवा के प्रेशर से You get water. If required, use a mild shampoo. Don't use detergents. और ज़रूरत पड़े तो एक mild scrubber भी use कर सकते हो.
नाउ सिंस मेरे डिस्क रोटर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस थे तो मुझे उसे उतारना था टू गेट इट मशीन्ड या टर्न्ड, लेकिन 3 साल के जंग की वजह से वो बेयरिंग हब के ऊपर जाम हो गया था। आई ट्राइड हैमरिंग इट लेकिन वो बाहर नहीं निकला। ऐसी सिचुएशन में एक जुगाड़ है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जो कैलिपर माउंटिंग असेंबली है उसके अंदर एक सिंपल नट एंड बोल्ट डाल के अगर आप उस बोल्ट को टाइट करो तो उसके टाइट होने के एक्शन की वजह से डिस्क रोटर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो पीछे से निकल सकता है। नाउ विद द डिस्क रोटर आउट, अगला काम था कैलिपर्स को पेंट करना। एज यू कैन सी इसके ऊपर इतना ज़्यादा डस्ट और रस्ट है कि पहले मुझे इसको पूरा सैंड पेपर से घिस के साफ करना पड़ेगा। मेक श्योर कि ये काम आप बहुत पेशेंस के साथ करो, क्योंकि जितना अच्छे से सरफेस जो है वो प्रिपेयर होगा पेंट उतना ज़्यादा टिकेगा। यू कैन यूज़ अ ब्रेक क्लीनर ऑल्सो, या फिर अगर आपके पास थिनर है तो आप उसको भी यूज़ करो, बट अवॉइड टचिंग केमिकल्स ऑन द रबर पार्ट्स। गास्केट्स वगैरह को थोड़ा दूर रखो सो दैट कुछ डैमेज ना हो। जब आपका कैलिपर अच्छे से शाइन करने लगे तो इट इज़ टाइम टू पेंट। जस्ट कवर एवरीथिंग इंक्लूडिंग द स्लेव सिलेंडर्स और गास्केट्स, रबड़ के जितने पार्ट हैं वो सब, होजेस, आपका ड्रेन प्लग, जो भी रबड़ के पार्ट्स हैं उन्हें कवर करो जिनको आपका कलर नहीं करना है, इंक्लूडिंग द व्हील वेल। यूज न्यूज़पेपर, मास्किंग टेप, एंड नाउ इट्स टाइम टू पेंट। नाउ आई एम यूजिंग दिस रस्टोलियम हाई हीट पेंट जो कि रेड कलर का है। आई एम होपिंग कि ये हाई टेम्परेचर्स हैंडल कर लेगा और ड्राई होने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। स्प्रे पेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है जस्ट डोंट कंसंट्रेट योर पेंट ऑन वन पॉइंट, कीप शेकिंग योर कैन और उसको मूव करते करते स्प्रे करो। मेक श्योर टू गिव इट 2 or 3 कोट्स ऑफ पेंट सो दैट कि यू हैव ए नाइस लेयर। एंड आफ्टर ड्राइंग इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। आप सारा टेप पेपर हटा दो। आई मस्ट से दिस लुक्स वेरी नाइस। जब एक बार रोटर्स मशीन हो गए तो द नेक्स्ट टास्क वॉज टू कवर द कॉन्टैक्ट एरिया जहाँ पे कि डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो डिस्क के साथ कॉन्टैक्ट में आती हैं। वी आर नॉट गोइंग टू पेंट दैट, तो हम उसको एक न्यूज़पेपर से और मास्किंग टेप से कवर कर देंगे। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ ग्लू और अ फेविस्टिक समथिंग लाइक दैट टू स्टिक द न्यूज़पेपर। और साथ ही हमें माउंटिंग ब्रैकेट्स भी पेंट करनी है, तो कैलिपर गाइड पिंस की जो रबड़ गास्केट्स हैं इनको भी कवर करना है। Now for disc and mounting brackets, I am going to use a black paint. This is also high heat caliper paint. Paint करने के बाद let it dry for a while. और जब paint सूख जाए तो रिमूव ऑल द न्यूज़पेपर एंड मास्किंग टेप। और अगर डिस्क के किसी एरिया के ऊपर पेंट लगा हुआ है तो जस्ट यूज अ सिंपल सैंड पेपर टू स्क्रैच इट ऑफ। मेक श्योर कि ये डिस्क वापस लगाने से पहले आप इसे क्योर होने के लिए एटलीस्ट ओवरनाइट छोड़ दो सो दैट द पेंट रिमेन्स स्ट्रॉन्ग। हेलो, तो अब टाइम है सब कुछ वापस जोड़ने का। सबसे पहले डिस्क रोटर, मेक श्योर कि कहीं पे भी कोई ऑयल या कुछ ना लगा हो। एक बार जो टायर के लगनट्स हैं उन्हें यूज़ करके टाइट द डिस्क रोटर्स ऑन द हब सो दैट कि वो प्रॉपरली फिट हो जाए। नाउ फिट द कैलिपर माउंटिंग असेंबली। अब कैलिपर माउंटिंग असेंबली के बोल्ट्स लगा के उसे टाइट करना है। द
जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे अपने ब्रेक पैड्स बदलने हैं, तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस देम विद दीज महिंद्रा जेन्युइन OEM ब्रेक पैड्स। देख सकते हो कि इसमें जो फ्रिक्शन मटेरियल है उसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है कंपेयर्ड टू जो पुराने पैड्स मेरी गाड़ी में से उतरे थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ब्रेक्स की सर्विसिंग का पूरा वीडियो मैं अपनी दूसरी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट ओवर देयर। ब्रेक पैड लगने के बाद इट इज़ टाइम टू असेंबल द कैलिपर असेंबली। जब एक बार सब कुछ असेंबल हो जाए तो इट्स टाइम टू क्लीन द व्हील वेल। आप एक साफ कपड़े के साथ और एक लिक्विड पॉलिश के साथ पूरा व्हील वेल अच्छे से साफ करो। जहां आपको मिट्टी दिखे वो एरिया साफ करो। थोड़ा पेशेंस का काम है, इट विल टेक सम टाइम, बट वंस इट इज़ डन इट इज़ गोइंग टू लुक ऑसम एंड यू कैन सी द डिफरेंस। दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर। आपको ये कैसा लग रहा है आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब आगे की ब्रेक्स होने के बाद पीछे के ड्रम्स की बारी है। प्रोसीजर इज सेम, टायर्स खोल के ड्रम्स को कवर करना है, व्हील वेल को वॉश करना है। एज यू कैन सी कि ड्रम पे काफ़ी जंग लगा हुआ है और इसको साफ करने का एक आसान तरीका है, जस्ट स्टार्ट योर कार, फर्स्ट या सेकेंड गियर में डाल दो तो आपका ड्रम जो है वो रोटेट करने लग जाएगा। ना जस्ट प्रेस इट अगेंस्ट द सैंड पेपर और वो अपने आप घिस के साफ हो जाएगा। लेकिन लग नट्स के एरिया को साफ करने के लिए आपको ड्रम को रोकना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो यूज ब्रेक क्लीनर स्प्रे टू क्लीन द ड्रम। और एक बार जब ड्रम प्रिपेयर हो जाए तो उसके बाद पूरे व्हील वेल को कवर कर दो, सो दैट कि जब आप स्प्रे पेंट करो तो कहीं पे भी छींटे इधर उधर ना जाएं। यूज़ द मास्किंग टेप टू कवर द रियर फ्लैंज ऑफ ड्रम। और जब सब एक बार रेडी हो जाए, नाउ इट्स टाइम टू पेंट। ड्रम को मैं ब्लैक कलर में पेंट कर रहा हूँ और एक बार गाड़ी स्टार्ट करके दोबारा ड्रम को रोटेट करते हुए मैं उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली स्प्रे करना शुरू कर देता हूँ। एज यू कैन सी इट इज़ वेरी ईजी, बिना ज़्यादा मेहनत के पेंट अपने आप स्प्रेड आउट हो जाता है। मेक श्योर कि लगनेट के जो बोल्ट हैं आप उनको भी कवर कर दो, क्योंकि उन पे पेंट लग गया तो उनकी थ्रेडिंग ख़राब हो सकती है। इसी तरह से दो या तीन कोट करने के बाद आपका ड्रम इज रेडी। जस्ट टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग आई एम गोइंग टू यूज़ अ मास्किंग टेप। जो एंड का छोटा सा हिस्सा है आई एम गोइंग टू पेंट इट रेड, ब्राउनिश रेड। ये एक हाइलाइटर का काम करेगा सो दैट कि ड्रम बोरिंग सा ना दिखे। और इसी के साथ द रियर ब्रेक्स आर कंप्लीट। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डज इट लुक। इसके बाद बेसिकली बस टायर्स वापस लगाने हैं, जैक स्टैंड्स को हटाना है और गाड़ी को जैक से नीचे उतारना है, एंड द वर्क इज डन। हेलो तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तो अब अगला टास्क इज बाइंग न्यू टायर्स, तो लेट्स सी क्या पसंद आता है और क्या लेते हैं। आई विल सी यू गाइस सून, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या।